हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफिशियंटली। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टूगेदर सो दैट द गोल्स ऑफ ईच आर मीट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है उनको प्रोक्यूर किया जाता है, मतलब कि फाइंड किया जाता है, डेवलप किया जाता है, मोटिवेट और मेंटेन किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो एफिशिएंटली अचीव किए जा सकें। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दोनों पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साथ में लाया जाता है, ताकि जो गोल्स होते हैं वो दोनों के ही पूरे किए जा सकें। अकॉर्डिंग टू इनवेंसीविच एंड ग्लुइक, HRM is concerned with the most effective use of people to achieve organizational and individual goals. Organization के और individuals के goals कैसे पूरे किए जा सकें, उसके लिए HRM concerned होता है। Next है nature of HRM। First है pervasive in nature, कि ये सारी जगह HRM जो होता है वो सारी जगह अवेलेबल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी जगह ही HRM होता है, ताकि वहाँ के जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे से मेंटेन किया जा सके। एक्शन ओरिएंटेड से HRM का मतलब है कि इसमें ये कोई भी जो रिकॉर्डेड चीज़ें नहीं करता है, इसमें जो कुछ भी होता है ये एक्शन ओरिएंटेड। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम है तो ये कंपनी उस पर एक्शन लेगी और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगी। पीपल ओरिएंटेड से मतलब है कि HRM जो होता है वो पूरा का पूरा ऑल अबाउट दी ह्यूमंस होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो चाहे एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम होती है वो HRM सॉल्व करता है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड से मतलब है कि जब एम्प्लॉयज़ कंपनी में आता है तो वो ये नहीं चाहेगा कि सिर्फ वो एक ही काम करता रहे, उसका कोई डेवलपमेंट ना हो, तो इसके लिए जो HRM होती है वो टाइम टू टाइम कंपनी में ट्रेनिंग देती है, उनको इंडक्शन देती है, ताकि एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट हो, हर एम्प्लॉयज़ कंपनी को बार बार छोड़ के ना जाए। इससे कंपनी का भी लॉस होता है और एम्प्लॉयज़ का भी लॉस होता है। चैलेंजिंग फंक्शन, HRM चैलेंजिंग फंक्शन इसलिए है क्योंकि ह्यूमन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ह्यूमन का नेचर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उनके पास इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम जो ह्यूमंस हैं उनको मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर उनको कुछ भी बुरा लगेगा तो वो कंपनी छोड़ देंगे, जिससे हमारा भी बहुत सारा लॉस होता है। इसलिए जो HRM है वो बहुत ही चैलेंजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ HRM। फर्स्ट है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट में इंक्लूड होता है रिक्रूटिंग, इसमें हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी जॉब जो है उनके लिए सबसे बेस्ट होगी। सेकेंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कंपनी में किसी एम्प्लॉयज़ को लाएंगे और उसके बाद हम उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इसलिए हम उसके बाद हम ट्रेनिंग देते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। थर्ड है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। HRM का काम होता है कि वो जिस जॉब के लिए उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए उस जॉब का एनालिसिस करें कि उसके पास कौन कौन से काम आएंगे, वो क्या क्या काम करेगा, उस जॉब का एनालिसिस करते हैं और उस जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। फोर्थ है रेम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड्स। जो भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है उसको कंपनी जो है वो उनका रेम्यूनरेशन बढ़ाती है और उनको रिवॉर्ड्स देती है, तो इसके लिए भी HRM का काम होता है कि वो रिवॉर्ड्स देखे कि किस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलना है। और फिफ्थ है पर्सनल रिकॉर्ड्स। जब भी हम किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो हम उसका पूरा बायोडाटा और उसकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी डिटेल्स होती है वो हम अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं, ताकि हमें एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ पता हो। वेलफेयर में आता है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम हम उनके लिए बनाते हैं, सैनिटरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे वॉशरूम वगैरह, और इंश्योरेंस देते हैं एम्प्लॉयज़ को,
एम्प्लॉयज़ के जो एसोसिएशन होते हैं वो बने होते हैं, उनके उन पर भी ध्यान देते हैं। वर्किंग कंडीशन कैसी है एम्प्लॉय की वो भी देखते हैं। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, सेफ्टी एक्सेट्रा, ये सब कुछ वेलफेयर में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। फर्स्ट है टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। अगर हम एम्प्लॉयज़ की जो है पर्सनल गोल पूरे होंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे ध्यान देगा। अगर जो एम्प्लॉय है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ से सेटिस्फाई है तो पक्का ही जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको पूरा करने में पूरी पूरी कोशिश करेगा। टू एम्प्लॉय स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स इफ़िशियंटली। इसमें जो एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ होती है उसको कंपनी जो है वो प्रोडक्टिव बनाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो पूरे किए जा सकें। टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। एचआरएम का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करे वेल ट्रेन्ड, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ होती है उनको ट्रेनिंग देती है और उनको इतने अच्छे से मोटिवेट करती है ताकि जो उनको काम है अपना काम अच्छे से पूरा किया जा सके। फोर्थ टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। एचआरएम का काम होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में भी अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। उसे ऐसा नहीं कि एकदम सारा काम उनको पकड़ा दिया और वो अपने घर पे कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे, उनको कोई छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो एचआरएम का काम होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखे एम्प्लॉयज़ में। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज़ टू ऑल एम्प्लॉयज़। एचआरएम का काम होता है कि जो एचआर पॉलिसीज़ होती हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ को बताई जाए, क्योंकि जो कंपनी होती है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, टाइम टू टाइम चेंज होता है पॉलिसीज़ में, तो वो भी सारे एम्प्लॉयज़ में कम्युनिकेट हो, ये एचआरएम का काम होता है। टू प्रमोट हारमोनी। एचआरएम का काम होता है कि जो गैप होता है इंडिविजुअल के गोल्स में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में उनको पूरा किया जा सके। अगर वो गोल्स में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो एम्प्लॉय जो होगा वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इससे क्या होगा कि ना ही वो अपने गोल्स पूरे कर पाएगा और ना ही जो कंपनी के गोल हैं वो पूरे हो पाएंगे, क्योंकि एक कंपनी को बहुत ही वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय चाहिए होता है जो उनकी कंपनी के गोल पूरे कर सके। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। एक एम्प्लॉय तभी किसी कंपनी में काम करना चाहेगा जब वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत रिस्पेक्टफुल होगा उसके प्रति। कई बार हम देखते हैं कि बॉसेस जो होते हैं वो बहुत ही रूड होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनका रिलेशन होना चाहिए वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, अदरवाइज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जॉब छोड़ देते हैं और इससे कंपनी को बहुत सारे टर्नओवर फेस करनी पड़ती है, जिससे कि जो एचआर टीम होती है उनको और भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको डेवलपमेंट, उनका इंडक्शन कराना पड़ता है, जिसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। इसलिए एचआरएम का काम होता है कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्टे करें और उनकी कंपनी को लॉस कम हो। सो आज हमने पढ़ा एचआरएम की डेफिनेशन, उसकी नीड, नेचर और ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।